ही स्वैम सो पावरफुली दैट इवन विद द स्टोन, तो बहुत 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 जोर लगा के वो तैरा, हालांकि उसके गले में देखो यहाँ पे स्टोन बांधा हुआ है, कितना मुश्किल होता है इतना भारी पत्थर गले में बांधा हो और तैरना, है ना। बट ही मैनेज टू मेक इट ऑलमोस्ट टू द श्योर, लेकिन उसे मैनेज किया और वो किनारे तक पहुंच गया। सडनली मलकोफ हियर्ड समथिंग बिहाइंड हिम, अचानक ही मलकोफ को पीछे से कुछ आवाज़ आई। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट जैकस वाज टू वाज इन द वाटर, तो उसने देखा पीछे मुड़ के जैकस भी पानी में था। जैकस हैड फॉलन इन, जैकस भी पानी में गिर गया था। एज ही वॉज पुशिंग द बिग डॉग इन टू द रिवर इन टू द वाटर, जैकस कुडेंट स्विम, क्योंकि वो जो था बिग डॉग को पुश कर रहा था लेकिन जैकस को तैरना नहीं आता था। हिज फ्रेंड्स हैड रन अवे बिकॉज दे हैड सीन समवन कमिंग टूवर्ड्स द रिवर, उसके दोस्त भी वहाँ पर भाग के आ गए क्योंकि उन्होंने देखा कि कोई जो है रिवर के पास आ रहा है। दे डिडंट वॉन्ट टू बी एक्यूज ऑफ किलिंग डॉग दो दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट दे वर डूइंग, तो मतलब वो एक्यूज क्या होता है, एक्यूज माने अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल चार्ज फॉर अ क्राइम, क्योंकि ये वही लोग थे जिन्होंने डॉगी को मारने की कोशिश की थी और उनको पता था भी एग्जैक्टली उन्होंने किया क्या है। बिसाइड्स इसके बावजूद दे हैडंट नोटिस दैट जैकस हैड ऑल्सो फॉलन इन टू द रिवर, इसके बावजूद उन्होंने ये नोटिस ही नहीं किया कि जैकस भी जो है नदी में गिरा हुआ है। उनको तो ये लगा कि डॉगी ही गिरा क्योंकि उन्होंने डॉगी को गिराया था। दे थॉट ही हैड रन अवे, तो उन्होंने सोचा कि जैकस वहाँ से भाग गया है, जस्ट लाइक दैम फ्रॉम द सीन ऑफ द क्राइम, जैसे कि हमेशा क्राइम के सीन से होता है क्राइम करके भाग जाते हैं ना, कहते हैं उन्होंने सोचा कि शायद जैकस भी भाग गया है। मलकोफ रियलाइज दैट हिज अटैकर जैकस वॉज ड्रॉनिंग, तो मलकोफ ने देखा कि जो उसका अटैकर है जो जिसने उस पर अटैक किया वो है जैकस, वो ड्रॉनिंग, ड्रॉनिंग मतलब डूब रहा है। जैकस डिडेंट नो हाउ टू स्विम, जैकस को तैरना ही नहीं आता था, उसको पता ही नहीं था तैरते कैसे, सो ही पैनिक्ड, पैनिक्ड मीन्स क्या होता है, डर के मारे वो डरना शुरू हो गया, एंड बिगिन टू सिंक इन द वाटर, और वो पानी में डूबना शुरू हो गया। मलकोफ सा दिस, मलकोफ ने ये देखा, ही टर्न्ड एंड स्वैम बैक टूवर्ड्स जैकस, तो वो मुड़ा और तैर के वापस जैकस के पास आ गया। डिस्पाइट द हैवी वेट अराउंड हिज नेक, डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद कि उसके गले में इतना भारी पत्थर बांधा हुआ था, मलकोफ स्वैम, मलकोफ तैरा, पैंटिंग मतलब क्या होता है कि जल्दी जल्दी सांस ले रहा था, एंड स्ट्रेनिंग, स्ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, फोर्स लगा रहा था, इतना एफर्ट कर रहा था, तैर रहा था जोर लगा लगा के, और वहाँ जा रहा था जहाँ पर वो आदमी था, जहाँ पे जैकस था। इन डेस्परेशन द मैन ग्रैप्ड मलकोव्स फर, और डेस्परेशन मतलब होपलेसनेस, उसको तो होप ही नहीं थी, उसने सोचा कि अब वो मर जाएगा, लेकिन उसने मलकोव के फर को पकड़ लिया कस के, ठीक है, ये देखो इस पिक्चर में मलकोफ को पकड़ा हुआ है इसने, है ना, तो मलकोफ को पकड़ लिया। बाय नाउ टू वीक टू पुल द मैन टू द शोर इन द स्ट्रॉन्ग क्रॉस करंट, अब वो बहुत वीक हो गया था लेकिन फिर भी वो आदमी को अब शोर के पास, स्ट्रॉन्ग करंट मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी जो लहरें आती हैं, ठीक है, तो जो लहरें आ रही थी वहाँ से निकाल के वो ले गया। मलकोफ स्ट्रगल्ड विद ऑल हिज माइट जस्ट टू ट्राइड वाटर विद बोथ द वेट ऑफ द स्टोन एंड द पैनिकी मैन, लेकिन जो मलकोफ था वो तो स्ट्रगल करता ही जा रहा था और अपनी पूरी ताकत लगा के, ट्रेड मतलब क्या होता है कि बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था वो आगे तैर के, हालांकि उस दोनों का वेट था, एक तो वेट उसके स्टोन का जो उसके गले में बंधा हुआ था, दूसरा वेट कौन सा था, उस आदमी का यानी जैकस का, दोनों के ही लेके वो किनारे पर जा रहा था। इन द मीन टाइम द फ्रेंड्स रियलाइज दैट जैकस वॉज नॉट विद देम, फिर उनको बीच में उसके दोस्तों का एहसास हुआ कि जैकस तो है ही नहीं। दे वेंट बैक टू द रिवर बैंक, तो वापस फिर वो नदी के बैंक माने किनारे पर गए। देयर दे हियर्ड द क्राइज ऑफ ड्रोनिंग मैन, वहाँ पर उसने वो डूबते हुए आदमी की आवाज़ें सुनी,
चीखों पुकार सुनी एंड द वीक बार्क्स ऑफ द डॉग, और बिल्कुल कमज़ोर भौंकने की आवाज़, यानी धीरे धीरे भौंक रहा था वो डॉगी, वो सुना। क्विकली जल्दी दे जंप्ड इनटू द रिवर, और जल्दी ही उन्होंने रिवर में जंप किया एंड रेस्क्यूड द डॉग एंड द मैन, रेस्क्यू मैंने बचाया, सेव किया डॉगी को और उस मैन को। मलकोव हैड मैनेज टू कीप हिमसेल्फ एंड जैकिस अफ्लोट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मलकोव ने तो अपने आप को किसी तरह मैनेज कर लिया, लेकिन जो जैकिस था, जैकिस मतलब अफ्लोट मतलब तैरता रहा बिना डूबे हुए काफ़ी समय तक, ओके पानी में। तो क्या हुआ, वंस द मैन एंड द डॉग वर बोथ सेफली ऑन शोर, एक बार वो आदमी और डॉग दोनों ही सही सलामत किनारे पर आ गए। द रिमोर्सफुल अप्रेंटिस थ्रू हिज आर्म्स अराउंड द ग्रेट न्यूज़फाउंडलैंड एंड वेप्ट एज ही बेग्ड द डॉग्स फॉरगिवनेस। तो रिमोर्स मतलब क्या होता है, दुख, अपनी गलती का एहसास होना, दुखी होना। तो वो अप्रेंटिस जो था मतलब जैकिस, उसने हग कर लिया, ये देखो ऐसे ऐसे हग कर लिया मलकोव को, और वो जोर जोर से रोने लगा, ठीक है, और बेग्ड द डॉग्स फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी मांगने लगा। द स्टोरी ऑफ द हीरोइक डॉग स्प्रेड थ्रू आउट इन पैरिस, वो जो कहानी थी उस ब्रेव डॉग की पूरे पैरिस में फैल गई। मलकोव बिकेम सच अ सिंबल ऑफ वेलर, वेलर मीन्स क्या होता है, फियरलेसनेस, बिना डर के, यानी कि मलकोव एक सिंबल बन गया, एक प्रतीक बन गया वेलर का, मतलब ये डॉगी को किसी का भी डर नहीं है। दैट वेन ही डेड, जब वो मरा, नियरली एवरी अप्रेंटिस इन पैरिस फॉलोड हिज फ्यूनरल प्रोसेशन, लेकिन जब उसकी डेथ हो गई तो लगभग जो हर एक अप्रेंटिस पैरिस का था वो उसके फ्यूनरल प्रोसेशन, फ्यूनरल प्रोसेशन क्या होता है बेटा, जब डेथ होती है तो अर्थी लेके जाते हैं ना क्रिमेशन के लिए, संस्कार करने के लिए, तो इसी तरह प्रोसेशन मतलब फ्यूनरल होता है लास्ट, डेथ सेरेमनी, प्रोसेशन मतलब बहुत सारे लोगों का गैदरिंग, तो वहाँ पर सारे उसके पीछे पीछे उस डॉग के क्रिमेशन के लिए भी गए। आई होप आपको अच्छी तरह ये स्टोरी समझ आ गई, ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन एडियो बेटा।